तो हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। तो देखो होता क्या है, आइडियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, जीरो। तो आइडियल गैस कभी भी लिक्विफाई नहीं हो सकता है, पर रियल गैस में क्या होता है कि कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं जिसकी वजह से क्या होगा, आप गैस को लिक्विफाई कर सकते हो। और गैस को लिक्विफाई करने के देखो दो मेथड होते हैं, या तो आप टेम्परेचर को घटाओ, या सेकेंडली आप टेम्परेचर को सेम रखो तो गैस को कंप्रेस करो, मीन्स प्रेशर को बढ़ाने से भी क्या होता है, गैस लिक्विफाई होता है। अब देखो होता क्या है, आप जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वैसे वैसे क्या होगा, गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो फिर गैस को लिक्विफाई करना क्या होगा, उतना डिफिकल्ट होगा। और अगर आपने टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर दिया तो उस केस में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाता है और गैस लिक्विफाई भी नहीं हो पाता है। एक जैसे एग्जांपल समझते, मान लेते CO2 गैस है, CO2 गैस को अगर आप 20 डिग्री पे लोगे, कंप्रेस करोगे, लिक्विफाई हो जाएगा, बहुत इजीली लिक्विफाई हो जाएगा। आप उसी CO2 गैस को अगर आप 100 डिग्री पे लोगे और आप कंप्रेस करोगे तो वो गैस लिक्विफाई नहीं होगा, मीन्स वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स CO2 गैस में क्या होगा, खत्म हो चुका है। अब होता क्या है कि कोई ना कोई लास्ट टेम्परेचर भी तो होगा जहां पे CO2 लिक्विफाई होगा, जैसे मान लो 20 पे लिक्विफाई हो रहा था, 100 पे लिक्विफाई नहीं हो रहा था, पर कोई ना कोई लास्ट टेम्परेचर तो होगा जहां पे CO2 लिक्विफाई हुआ होगा, तो वो मैक्सिमम टेम्परेचर जहां पे कोई भी गैस लिक्विफाई हो सकता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। तो इसके बारे में जो भी स्टडी है वो एक्चुअल में एक साइंटिस्ट है, उन्होंने किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंड्रूस आपके पास कर्व या फिर एंड्रूस एनालिसिस ऑन गैस। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, वो मैक्सिमम टेम्परेचर जहां पे कोई भी गैस लिक्विफाई हो सकता है। अब देखो होता क्या है, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो गैस को लिक्विफाई करना डिफिकल्ट होता जाएगा। तो हम लोग इस चीज को एक कर्व से समझते हैं। तो एक कर्व देखते, देखो हमारे पास एक कर्व है, कर्व है हमारे पास पी वर्सेस वी का, ठीक है। तो कर्व को समझने के लिए हम लोग पहले एक कोई रेफरेंस ड्रॉ कर लेते हैं। ये ऐसे ये जो डॉटेड ड्रॉ के ये कर्व का पार्ट नहीं है। तो जैसे मान लेते हैं मैंने कोई भी गैस ले, सपोज करते CO2 गैस मैंने ले लिया और मैंने टेम्परेचर रखा है 0 डिग्री, मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूं, तो वो कुछ टाइम बाद तो लिक्विफाई हो जाएगा। तो मैंने इसका जब कर्व जब प्लॉट किया तो कर्व इसका कुछ इस तरीके से आता है, पहले ऐसा और फिर यहाँ पे फ्लैट और फिर आपके पास कुछ ऐसा। मैं भी कर्व समझा दूंगा कैसे आया, पहले मैं कर्व को पूरा प्लॉट कर देता हूं। तो ये कर्व है टेम्परेचर T1 पे, ये कर्व है टेम्परेचर T2 पे, यहां पे जाने के बाद आपके पास ये कर्व स्ट्रेट हो जा रहा है, फिर आपके पास यहां पे ये कुछ ऐसा कर्व है, ये टेम्परेचर T3 पे है, मान लेते ये कुछ ऐसा है, और ये टेम्परेचर आपके पास T4 पे है, ये कुछ ऐसा है, और एक लास्ट में T5 पे कुछ ऐसा है। मतलब ये T1, ये T2, ये T3, ये T4, ये T5, मैंने कुछ अलग अलग टेम्परेचर पे कर्व प्लॉट की, जहां पे T5 याद रखना है T4 से ज्यादा है, T4 T3 से ज्यादा है, T3 T2 से ज्यादा है, और जो T2 जो है वो आपके पास क्या होगा T1 से ज्यादा है। तो मैंने क्या किया, अलग अलग टेम्परेचर पे क्या किया, कर्व को प्लॉट कर दिया। अब देखो होता क्या है, जहां पे सिर्फ वेपर है, यहां पे सिर्फ गैस है, तो गैस को आप समझो जैसे आपके पास ये कर्व को समझते हैं। तो देखो यहां पे पहले आपके पास सिर्फ वेपर है, जैसे मान लेते हैं ये, देखो यहां पे आपके पास इस साइड वॉल्यूम है और यहां पे प्रेशर है। तो मैंने क्या किया, कंप्रेस किया, कंप्रेस करने से क्या हुआ, प्रेशर बढ़ा। तो प्रेशर बढ़ा, जैसे मान लेते मैं कंप्रेस करते करते इसको मैं थोड़ा पास ले आया और यहां पे आ गए, तो प्रेशर क्या है, बढ़ गया, ठीक है, यहां पे आ गए। अब उसके बाद जैसे मैंने कंप्रेस किया तो गैस किस में कन्वर्ट होने लगा, लिक्विड में। तो ये जो स्टेज है ये बता रहा वेपर प्लस लिक्विड, यहां पे क्या होगा, वेपर लिक्विड बनने लगा। और ये जो कर्व ये ध्यान रखना, ये हॉरिजॉन्टल है, मतलब इसके पैरेलल है, और ये इसके सीधा वर्टिकल कट कर रहा है। क्वेश्चन आता है कि ऐसे कैसे हो रहा है कि आपके पास जो वॉल्यूम है वो लगातार कम हो रहा है पर प्रेशर में चेंज नहीं हो रहा। तो देखो ऐसा होता है,
आप पीवी इक्वल टू एनआरटी से समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो आप जब कंप्रेस करोगे तो फर्दर कंप्रेस करने पर क्या होगा, जैसे आपने यहाँ पे कंप्रेस किया तो देखो फर्दर कंप्रेस करने पर फिर क्या होगा कि जो आपके पास गैस है उसका कुछ पार्ट क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो आपने कंप्रेस किया, वॉल्यूम तो कम हुआ और लेकिन जो गैस है उसका कुछ पार्ट लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो गैस के जब कुछ पार्ट लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो गैस के मोल भी क्या हो गए, कम हो गए। और गैस के मोल कम हो गए, अब देखो वो क्या है, आपने कंप्रेस किया है, गैस के मोल क्या हो रहा है, कम। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, कम। तो ये भी कम दोनों इक्वल कम होते हैं, इसलिए प्रेशर में चेंज नहीं होता है। तो आप जब कंप्रेस करते हो तो उसमें वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वॉल्यूम भी डिक्रीज कर रहा है और मोल भी डिक्रीज कर रहा है। मोल क्यों डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि गैस का एक पार्ट लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, जितना पार्ट लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही वॉल्यूम में डिक्रीज हो रहा है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे प्रेशर क्या होता है, कॉन्स्टेंट। अब यहां पे आने के बाद देखो क्या होगा कि पूरा का पूरा जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो अब इसके आगे क्या, लिक्विड। अब एक बार मान लेते हैं आपके पास पूरा का पूरा लिक्विड बन गया, मान लेते हैं ये लिक्विड आ गया। अब लिक्विड आने के बाद आप इसको जितना चाहो उतना कंप्रेस करो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने इसको देखो स्टीप बनाया है कि आप प्रेशर जितना चाहो उतना बढ़ा लो पर वॉल्यूम में चेंज नहीं है, ठीक है। तो आपके पास ये होगा, ये टेम्परेचर था T1 के लिए। अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाया तो गैस को लिक्विफाई करना डिफिकल्ट होगा, इसीलिए अब हमें ज्यादा प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। फिर मैंने टेम्परेचर को और बढ़ाया पर गैस को लिक्विफाई करना और कम होगा, इसमें ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल लाइन धीरे धीरे कम होता जाता है। अब होता क्या है, एक लास्ट टेम्परेचर है T4 जहां पे गैस लिक्विफाई हो पाता है। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे होता है वेपर, यहां पे होता है लिक्विड और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका गैस कन्वर्ट होता है लिक्विड पे। तो वो लास्ट टेम्परेचर जहां पे गैस लिक्विफाई होता है वो होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। तो उस कर्व के हिसाब से जो T4 है वो है क्रिटिकल टेम्परेचर। अब जहां पे लिक्विफाई हो रहा है जैसे इस पॉइंट पे, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रेशर रहा होगा। तो ये प्रेशर क्या होता है, दिस प्रेशर इज क्रिटिकल प्रेशर और इस समय कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, तो ये होता है क्रिटिकल वॉल्यूम। अगर अब टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है तो वो जो गैस है वो कभी भी लिक्विफाई नहीं हो पाएगा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, वो लास्ट टेम्परेचर जब कोई भी गैस क्या हो सकता है, लिक्विफाई। तो हम लोग लिख लेते हैं क्या होता है, तो पहले लिख लेते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर TC। तो इसको सब लोग लिख लो क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर इज द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच एनी गैस कैन बी लिक्विफाइड। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर जिसमें कोई भी गैस क्या हो सकता है, लिक्विफाई। अगर टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है तो गैस लिक्विफाई नहीं हो सकता। अब जब कंप्रेस करोगे तो जिस प्रेशर पे गैस लिक्विफाई होता है वो होता है क्रिटिकल प्रेशर। अब देखो प्रेशर अगर आप इससे ज्यादा लोगे तो लिक्विफाई हो जाएगा, पर इससे कम लिया तो नहीं होगा। तो मैं ज्यादा लेने पर तो हो जाएगा, तो क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, तो क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, देखो कुछ लोग तो कहते हैं कि प्रेशर एट विच गैस इज लिक्विफाइड, पर अगर कोई टीचर ऐसा बोलता है प्रेशर एट विच गैस इज लिक्विफाइड इज नोन एज क्रिटिकल प्रेशर, इसका मतलब उसको क्रिटिकल प्रेशर नहीं पता है। क्रिटिकल प्रेशर मतलब अगर आप देखो ज्यादा लोगे तो लिक्विफाई हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो क्रिटिकल प्रेशर एक्चुअल में क्या होता है, मिनिमम प्रेशर एट विच एनी गैस इज लिक्विफाइड इज नोन एज क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है। तो मिनिमम प्रेशर जिस पे कोई भी गैस लिक्विफाई होता है वो होता है क्रिटिकल प्रेशर। ये ध्यान रखना, ये तब डिफाइंड जब टेम्परेचर क्या होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर। आप बल्कि बेटर होगा ये लिख लो कि मिनिमम प्रेशर एट क्रिटिकल टेम्परेचर एट विच एनी गैस इज लिक्विफाइड, तो जिस पे कोई भी गैस लिक्विफाई होगा। अब जब टेम्परेचर होगा क्रिटिकल, ये क्रिटिकल टेम्परेचर T4 क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर, और जब प्रेशर होगा क्रिटिकल तो उस समय जो वॉल्यूम जो होता है वो क्या रहता है, क्रिटिकल वॉल्यूम। जहां पे ध्यान रखना सडनली जो होता है, सडनली गैस कन्वर्ट होता है लिक्विड में, तो इसको आप गैस भी बोल सकते हैं, लिक्विड बोल सकते हैं। सडनली गैस कन्वर्ट होता है लिक्विड, वैसे बेटर होता है इसको बोलते हैं लिक्विड। सडनली मीन्स आप कंप्रेस करो सडनली गैस लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है,
वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय लिक्विड और गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर। वैसे उसमें लिक्विड होता है, बेटर होता है कि आप लिक्विड बोलो। तो ये होगा आपका क्रिटिकल प्रेशर और टेम्परेचर। अब इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो भी हमें पता होना जरूरी है। इसके फॉर्मूले पे सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो, फॉर्मूले अगर आपको याद रहेगा तो अच्छा रहेगा, अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद है तो आपको फिर लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। अगर आप जेई मेन और नीट की तैयारी करते हो तो आपको फॉर्मूले अगर याद है सीधा सीधा तो बेटर है। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन आपसे नहीं पूछेगा। मैं डेरिवेशन अभी करके दिखा देता हूँ, पर इस फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं पूछता है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला होता है, क्रिटिकल प्रेशर होता है ए अपॉन 27B² और क्रिटिकल वॉल्यूम होता है 3B। तो ये आपके पास फॉर्मूले होते हैं, A/27RB, ये होता है A/27B², ये होता है 3B। ये फॉर्मूले क्या होते हैं, ये वैन डर वाल इक्वेशन को सॉल्व करके आते हैं। इसमें A और B क्या है, वेयर A एंड B आर वैन डर वाल कांस्टेंट। और ये फॉर्मूले आते कैसे, ये फॉर्मूले आते हैं वैन डर वाल इक्वेशन को सॉल्व करके। तो हम लोग इसको कर लेते हैं। देखो, इस फॉर्मूले को डिराइव करने के दो तरीके हैं। तो देखो, दो तरीके मैं दोनों बता देता हूँ। काफी लोग एक ही तरीका बताते हैं, उन लोगों को दूसरा तरीका नहीं पता होता है। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग और नया मेथड में बताऊंगा जो बहुत कम लोगों को पता होता है। तो देखो, एक तरीका क्या है, आप अगर कर्व को देखो, देखो ये जो कर्व है ये कुछ ऐसा था, मतलब इधर साइड तो लिक्विड था, क्रिटिकल टेम्परेचर वाला कर्व देखो कैसा था, ये कुछ ऐसा था और इसके पहले कुछ ऐसा। तो क्रिटिकल वाला ये कर्व कुछ ऐसा था। तो क्रिटिकल में क्या था, इस कर्व का ये मैक्सिमा है और इस कर्व का ये मिनिमा है। इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जो एक का मैक्सिमा है और एक का मिनिमा है। तो देखो होता क्या, आपको मैक्सिमा मिनिमा शायद पता होगा, d2y/dx² अगर नेगेटिव होता है तो क्या होता है मैक्सिमा, d2y/dx² अगर पॉजिटिव होता है तो होता है मिनिमा, अगर ये जीरो होता है तो वो क्या होता है एक का मैक्सिमा पर एक का मिनिमा। तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो हम लोग वही है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में देखते हैं। तो ये कैसे आएगा, तो देखो कर्व जो था वो पी वर्सेस वी का था। तुम लोग वैन डर वाल इक्वेशन को देखते हैं क्या होगा, ये इक्वेशन है, हम लोग इसको इधर डिवाइड करके इधर लेके जाते हैं। देखो पी इक्वल टू क्या आएगा, ये होगा आर टी और बी एन माइनस बी और ए बाय बी एन स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। आप क्या करो, डीपी बाई डीवी निकालो भाई, इसको वी करके इसको जीरो कर देना, फिर उससे इक्वेशन सेकंड बनेगा और इसमें d2p/dv² निकालना, मतलब वॉल्यूम के रिस्पेक्ट को डिफरेंशिएट करना, ध्यान रखना टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो आप एक बार वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, डबल डिफरेंशिएट करो, इस इक्वेशन बनेगा थर्ड। तो तीन इक्वेशन, तीन अननोन कौन कौन से, P, V और T। सॉल्व करोगे वो जो रिजल्ट है बताया वो आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द बुक में यही लिखा रहता है, मोस्ट ऑफ द टीचर यही बताते हैं। तो आप इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा ये, पर मैं आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग और नया बताता हूँ। ये तो अच्छे में सब बोल देते सॉल्व करना आ जाएगा, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। इससे सॉल्व करके दिखाना एक्चुअल में क्लास 11th और 12th के लेवल पे पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको वो तरीका बताता हूँ जिससे क्लास 11th और 12th में सॉल्व करके आ सकता है। तो अब ऐसा करते हैं, ये जो इक्वेशन जो लिखा हुआ है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखो कैसे होगा। एक काम करते हैं, इसमें वही इसको ओपन कर लेते तो क्या होगा, पी बी एम स्क्वायर प्लस ए और ये होगा बी एम माइनस बी इक्वल टू आर टी बी एम स्क्वायर। मैंने ये एलसीएम लेके इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ओपन कर देता हूं मैं। तो क्या होगा, पूरा ओपन करते हैं, पी बी एम क्यूब ओपन करके पूरा लिखते हैं, इससे मल्टीप्लाई होगा, और इसको मैं इधर लेके आता हूं और पी को भी डिवाइड कर देता हूं, क्या हो जाएगा बी एम क्यूब, और पी को डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा ये, और ये माइनस, और ये आपके पास डिवाइड कर दिए मैंने, मान लेते हैं ये पी बी एम स्क्वायर और इंटू बी, अच्छा इसमें बी भी होगा तो माइनस पी बी था एक्चुअल में कैलकुलेशन, ये ए बी एम ठीक है। तो पी को डिवाइड कर दे तो क्या होगा आपके पास बी, और ये होगा प्लस आर टी बाई पी और बी एम स्क्वायर,
और ये होगा माइनस ए बाई पी वी एन माइनस ए बी बाई पी इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन था ना। अब देखो ऐसा था कि जो क्रिटिकल, जैसे मान लो कि आपके पास जो इक्वेशन जो था, तो क्योंकि क्यूब रूट में है तो क्यूब रूट में आपको पता होगा इक्वेशन को सॉल्व करके तीन तीन वैल्यू आएगा, मतलब सॉल्व करोगे तो वी का तीन वैल्यू आएगा। तो देखो होता क्या है, जब क्रिटिकल टेम्परेचर था तो उस समय क्या था कि आपके पास जो कर्व था वो कुछ ऐसा था। तो यहां पे क्या है कि ये जो वॉल्यूम है यही होता है क्रिटिकल वॉल्यूम। तो जब जब टेम्परेचर कैसा, क्रिटिकल टेम्परेचर, और प्रेशर कैसा, क्रिटिकल प्रेशर, तो वॉल्यूम क्या होता है क्रिटिकल वॉल्यूम। तो यहाँ पे आपके पास जो वॉल्यूम होगा वो क्या क्रिटिकल वॉल्यूम, तो ये आपको पता है। तो उसमें वॉल्यूम क्या क्रिटिकल वॉल्यूम, तो हम लोग वही सॉल्व करते हैं। तो ऐसा लिखते हैं एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो वीएम किसके इक्वल होता है बीसी के, इसको इधर लाते हैं, दिस इज जीरो, इसको क्यूब कर देते हैं, तो इसका क्यूब तो जीरो होगा, ओपन कर लेते हैं, इसको और इसको कंपेयर करेंगे और वो जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। सोचो कितना सिंपल मेथड है, बस इसको और इसको मैंने कंपेयर कर दिया फटाक से रिजल्ट, और डिफरेंशिएशन वाला करते तो कभी मतलब रिजल्ट निकालने आपको एक घंटे लग जाते हैं, बस इसको मैं भी कंपेयर करूंगा फटाक से आंसर आ जाएगा। ये जो मेथड है, ये मेथड बहुत कम लोगों को पता होता है। अगर आप जेई एडवांस के बारे में तैयारी कर रहे हो तो जेई एडवांस आपका टारगेट है तो ये आपको पता होना चाहिए। जेई मेन और नीट में तो ये रिजल्ट का मतलब बस रिजल्ट पता होना चाहिए, पीसी पीसी और बीसी का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो रिजल्ट मैंने पहले लिख दिया, रिजल्ट आपको पता है बहुत सफिशियंट है जेई मेन और नीट के लिए, पर एडवांस के लिए डेरिवेशन पता होना जरूरी है। तो अब दो कंपेयर करते हैं, कंपेयर इसको और इसको कंपेयर करते हैं। देखो जे इसके इक्वल आएगा तो क्या होगा, थ्री बीसी क्या आया बी प्लस आर टीसी बाई पीसी। ये ध्यान रखना क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर है, तो यहाँ पर टीसी और पीसी, ये हम लोग कब कंपेयर करें क्रिटिकल पे, तो टी और पी यहाँ पर टीसी पीसी कर दिया, ठीक है ये। तो क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर तो टीसी पीसी हो गया, अब क्या होगा थ्री बीसी स्क्वायर, तो क्या होगा थ्री बीसी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा आपके पास ए बाई पीसी, जो क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर है। और क्या होगा लास्ट वाले से क्या होगा बी सी क्यूब क्या होगा, ये होगा ए बी बाई पीसी। तो अब देखो इसको इक्वेशन वन करते हैं, इसको टू करते हैं और इसको थ्री करते हैं। अब देखो मैं फटाक से इसको सॉल्व कर देता हूं, आपके पास जो आंसर होगा वो आ जाएगा एक ही मिनट में। तो देखो जैसे कंपेयर करोगे तो क्या होगा, एक काम करते इसको इससे डिवाइड कर देते, क्या आएगा थ्री बाई बी सी, टू को थ्री से डिवाइड किया तो देखो ये कट जाएगा और आपके पास क्या होगा वन बाई बी। तो देखो बी सी का वैल्यू आ गया फटाक से थ्री बी, देखो आ गया एक आंसर आ गया। अब एक काम कर इसकी वैल्यू को नीचे वाले पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 27 बी क्यूब इक्वल टू ए बी बाई पी सी, ए बी कट जाएगा तो पी सी इक्वल टू क्या ए बाई 27 बी स्क्वायर। देखो पी सी की भी वैल्यू आ गई, अब हमें मान लेते निकालना है टी सी, तो बस यहाँ पे पी सी और बी सी वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ रख देते तो क्या हो जाएगा 9 बी, और आपके पास 9 क्या हो जाएगा बी, और फिर आपके पास होगा बी और आएगा आर टी सी, और नीचे इसकी जगह रख देते होगा ए बाई 27 बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 8, तो होगा 8 बी इक्वल टू आर, और टी सी ऊपर चला जाएगा तो होगा 27 बी स्क्वायर बाई ए, तो एक बी से एक बी कट जाएगा, तो देखो टी सी इक्वल टू क्या है 8 ए बाई 27, और आपके पास 27 एक ए और एक बी, तो 27 बी, ठीक है 8 ए बाई 27 बी, 27 आर बी, यहाँ पे आर बी बचा 27 आर बी, तो ये क्या होगा टीसी का वैल्यू। तो अब आपको सब डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, तो ये हमारा होगा लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, देखो रियल गैस में न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं एग्जाम में, चाहे वो जेई मेन का एग्जाम हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो जेई एडवांस का एग्जाम हो, मेनली इसमें पूछा जाता है थ्योरी। तो ये जो मैं जो मतलब मैं ये जो भी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे इसी से पूछा जाएगा, बहुत होगा तो आपसे इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, तो पूछ लेगा बताओ क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू, तो आपको क्या होगा न्यूमेरिकल में ए और बी दिया रहेगा रख के सॉल्व कर लेना, तो ये या फिर ये आपके पास जैसे मान लो क्रिटिकल प्रेशर पूछ लिया तो ए और बी दिया रहेगा रख के सॉल्व कर लेना,
वैसे न्यूमेरिकल आने के चांसेस इस सेक्शन से कम है। इस सेक्शन से नॉर्मली एग्जाम में क्या होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है।